हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मणिपाल एमएटी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म रिजल्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी बहुत सारे डिटेल्स के रिगार्डिंग में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मणिपाल एमएटी 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए गए फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर 2024 थ्रू ऑनलाइन बट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट मणिपाल यूनिवर्सिटी मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन। एक तरह का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो एक तरह का यूनिवर्सिटी लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो हर साल कंडक्ट करवाया जाता है फॉर वेरियस यूजी और पीजी कोर्स के लिए इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फार्मेसी कॉमर्स एक्सेट्रा। ये एक तरह का नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। सबसे पहले हम उसका ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम का नाम है मणिपाल एमएटी 2025 मणिपाल यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जाम है। साल में एक बार इसका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले यूजी और पीजी के कोर्स के लिए होता है। एप्लीकेशन का जो मोड है ऑनलाइन मोड है, एग्जाम का मोड है ऑनलाइन मोड। वेबसाइट है manipal.edu। पहले फेज की बात करें, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर 2024। लास्ट डेट है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2025। टेस्ट बुकिंग डेट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2025। एडमिट कार्ड आउट होगा सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2025। एग्जाम डेट थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। रिजल्ट सेकेंड वीक ऑफ जून। काउंसलिंग थर्ड वीक ऑफ जून 2025। फेज टू की बात करते, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है अक्टूबर 2024 को। लास्ट डेट है अप्रैल। इसका जो टेस्ट बुकिंग स्टार्ट होता है फर्स्ट वीक ऑफ मई। एडमिट कार्ड सेकेंड वीक ऑफ मई। एग्जाम डेट थर्ड वीक ऑफ मई। रिजल्ट डिक्लेयर होता है सेकेंड वीक ऑफ जून। काउंसलिंग होता है सेकेंड वीक ऑफ जून 2025। अभी हम इसके एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन का जो फॉर्म होता है ऑनलाइन मोड में होता है, इसका कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं है। इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है फेज वन का, वो होता है सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर 2024 को। आपको सबसे पहले उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ने के बाद आप इजीली अप्लाई कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो सबसे पहले आपको एकेडमिक एलिजिबिलिटी, पर्सनल क्वालिफिकेशन, कम्युनिकेशन डिटेल, एड्रेस कैटेगरी, आपको सारी डिटेल प्रॉपर तरीके से देनी है। उसके बाद फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेंगे, स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अंदर आपको कोई भी करेक्शन फैसिलिटी नहीं मिलता है। लास्ट डेट है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2025। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको प्रिंटआउट निकाल लेना है फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फीस आप इजीली ऑनलाइन मोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हो, कोई भी ऑफलाइन मोड नहीं है। ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप इजीली एप्लीकेशन फीस को पेमेंट कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस जो है नॉन रिफंडेबल है और इसका जो 600 रुपये एप्लीकेशन फीस है और 1400 रुपये एंट्रेंस फीस है, टोटल 2000 रुपये। एनआरआई के लिए 2500 रुपये एप्लीकेशन फीस है। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए आपको सबसे पहले उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहां पे जाने के बाद आपको सिंपली सबसे पहले क्या करना है, उनके होम पेज पे जाना है। वहां पे आपको सारी डिटेल प्रॉपर तरीके से देनी है, जैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन, पर्सनल और कम्युनिकेशन डिटेल। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, फोटोग्राफ और सिग्नेचर, स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना है। आप इजीली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप इजीली पेमेंट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको प्रिंटआउट निकाल लेना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, फॉर बीटेक कोर्स के लिए आपको क्लास 10+2 कंप्लीट करना पड़ेगा। आप कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के थ्रू आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो। मैंडेटरी सब्जेक्ट है फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश। एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स आने चाहिए 12th क्लास में। अगर आप फाइनल ईयर में हो, अपीयर कर रहे हो, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। फॉर एमटेक कोर्स के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। आप उसके लिए कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स आने चाहिए। आपको गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसलिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर एमबीए कोर्स के लिए आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा। आप कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आप इजिली कर सकते हो। एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स आने चाहिए और आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए मैट, सेट, कैट और सीमेट का। एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है 2 घंटे और 30 मिनट का आपका एग्जाम होता है। 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और लैंग्वेज होता है इंग्लिश के लैंग्वेज में पूछा आता है। मैथ से 70 क्वेश्चन, फिजिक्स से 50, इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड से 30, केमिस्ट्री से 50, टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे आते हैं। अभी हम इसका सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, वो है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का जो है वो है केमिकल काइनेटिक्स, गैसेस स्टेट, पीरियडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन नंबर, केमिकल बॉन्डिंग टू, हाइड्रोकार्बन टू, सॉलिड स्टेट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्टोइकोमेट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद ऑक्सीजन टू, अमाइन, हेलो एल्किन। फिजिक्स का सिलेबस है वो फिजिकल ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, हीट, एटॉमिक फिजिक्स, डायनेमिक जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। मैथ्स का सिलेबस है सिंपली आपको क्या रहेगा, नंबर थियरी, सर्कल वेक्टर, कॉनिक सेक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, ग्रुप थियरी, वेक्टर, कॉनिक सेक्शन, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। जनरल इंग्लिश के जो टॉपिक्स है वो कंप्रेहेंशन, पेसेज, स्पॉटिंग एरर, वोकैब,
सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ग्रामर एक्सेट्रा। इसके रिगार्डिंग में हमको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।